एक और जहां राज्य में बढ़ रहे अपराध की घटनाओं के बाद लोग सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे, तो वहीं अब भगवान भी इससे अछूते नहीं रहे। दरअसल ये पूरा मामला पूर्वी चंपारण के पकरी दयाल थाना क्षेत्र स्थित धौनी जी गांव का है, जहां प्राचीन शिव मंदिर से चोरों ने काले पत्थर और अष्ट धातु के भगवान भोलेनाथ की मूर्ति चोरी कर ली। इस मामले में मंदिर के पुजारी नवल किशोर तिवारी ने बताया कि वे अपने घर से सुबह भगवान की पूजा करने के लिए मंदिर में आए थे, तभी वहां कई मूर्तियां गायब दिखी, जिसके बाद मामले की सूचना पुलिस को दी गई। फिलहाल पुलिस मामले की जांच पड़ताल में लगी हुई है। पूजा करने तो देखते हैं कि हमारे भगवान का मूर्ति गायब हो गए, देख कर मैं अपना जो है कि मेरा सारा बुद्धि जो है गायब हो गया, मैं काफ़ी तकलीफ में पड़ गया। और जिसमें एक बीच में सूर्य भगवान को छोड़ दिया है, एक छोटा नारद भगवान को छोड़ दिया है, और जिसमें एक दुर्गा जी का मूर्ति था एक प्लेट में, और एक प्लेट में कुबेर भगवान थे, और एक प्लेट में विष्णु भगवान थे, और एक में जो है कि इस खबर पर ज़्यादा जानकारी दे रहे हैं संवाददाता धनंजय। धनंजय, बड़ी खबर यहाँ पर सामने आ रही है, जहाँ पर मोतिहारी में अष्ट धातु की मूर्तियाँ चोरी की गई है, वही भगवान भोलेनाथ की। क्या पूरी जानकारी मिल पा रही है और क्या अब तक पता चल पाया है कि आखिर मूर्ति चोरी कब की गई और किस वक्त यह घटना घटी? जी, ये रात्रि की घटना है, जिस समय ये पुजारी के द्वारा रात्रि पूजा अर्चना करने के बाद ये लोग चले गए थे, और वहाँ पे पंचायत समिति के द्वारा वो मंदिर का निर्माण किया जा रहा था, उसी में बरसों पुरानी जो ये मूर्तियां थी, यानी इनकी ये कहा जाए कि 100 साल पुरानी ये मूर्तियों को, जो बहुत ही बेशकीमती मूर्तियां हैं और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इसका तकरीबन मूल्य लाखों में आका जा रहा है, वैसे मूर्तियों को चोरों ने चुरा कर ले गया, और उसमें सिर्फ नारद भगवान की मूर्ति को किया गया है। वैसे पुलिस को जब इस बात की जानकारी हुई है तो पुलिस के द्वारा एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है, जो मुजफ्फरपुर के मोतीपुर का निवासी बताया जा रहा है, और लोगों का ये कहना है कि ये जो व्यक्ति जो गिरफ्तार किया गया है, वो प्रायः इस गांव में मजदूरी करता था और रात को मंदिर में आकर सोता था, और लोगों का शक उसी पर है। फिलहाल जो है स्थानीय पुलिस उसको अपने गिरफ्त में लेकर पूछताछ कर रही है, लेकिन सबसे आश्चर्यजनक की बात है कि ये पूर्वी चंपारण में अब देखा जाए तो भगवान भी सुरक्षित नहीं है। जी राकेश जी, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया धनंजय का इस खबर पर जानकारी देने के लिए।